Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back. Hello. To our channel. Kadak reaction. With Mohammed Shabiz. Mohammed Yasin. Aisha Yasin. आप तो जानते ही हैं हमें. So आज हम लोग react करने वाले हैं serial killer के OST के ऊपर और नीचे मुझे दिख रहा है serial killer का trailer. और जितना मुझे पता है कि ट्रेलर तो यूजुअली आते नहीं है पाकिस्तानी ड्रामाज में, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है. सो हमने डिसाइड किया कि हम लोग दो पे भी रिएक्ट करेंगे. विल फर्स्ट रिएक्ट ऑन ओएसटी देन ऑन द ट्रेलर. इन मजा आने वाला है. सबा खमर द लेजेंडरी एक्टर, आई थिंक सबको पता ही है. यू नो, यू डोंट नो? नो नो. शी हैज डन बॉलीवुड मूवीज ऑल्सो. She is very famous in Pakistan. She has done Hindi medium, even Fun Fun ke saath ek movie aayi thi. Hindi medium. She is the lead actress and very good content. She is someone jaise ki you know bahut soch samajh ke content choose karti hai in dramas and all. Okay, so let's start the reaction. Uske baad iske bare mein baat karte hain. Shuru karne se pehle channel ko subscribe kijiye, notification bell ring kijiye for more entertainment and follow us on Instagram, Facebook and Twitter. Details humne diye hain. So more entertainment. Let's start the OST. ये क्या था? स्टार्ट डायरेक्ट सिंगर जेट मंगेश. मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा. एंड द अनदर गुड पार्ट इज दे केप्ट इट वेरी शॉर्ट. करेक्ट. एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यू नो क्रिस्पी कट्स थे. मतलब अच्छी एडिटिंग थी. दे डिडंट शो अस मच, बट अगेन गुड. वी विल टॉक अबाउट दिस, बट वी विल स्टार्ट विद द ट्रेलर फर्स्ट. सो आई थिंक कब से स्टार्ट हुआ है ये? इट्स ऑलमोस्ट बीन 3 months. ओके, तो बहुत सारे एपिसोड्स आ गए. आप लोगों को पता तो नहीं चल रहा कि सीरियल किलर कौन है आखिर? इतने टाइम में तो एक ड्रामा खत्म भी हो जाता है ना. शहर में एक नया सीरियल किलर, एक नई लाश. स्पेशल ब्रांच का ऑफिस यही है. आप कौन? सारा सिकंदर, नई एडिशनल डायरेक्टर NR3. मैडम बुरा ना मनाइएगा, लेकिन औरतों के लिए पुलिस की नौकरी अच्छी. सर मैं अपने औरत होने का सोचकर वक्त जाया नहीं करता. नाइस. इसने उसके बारे में जानती हैं आप? हमारी पुलिस सर वो सूट के स्विनाश करके. सर मैं सोच रहा था कि इस केस की तफ्तीश आपको दे दें. नए सिरे से फाइल बनेगी इस केस की. मुझे फ्रेंसिक्स चाहिए, बैग पे फिंगरप्रिंट्स की डिटेल्स चाहिए. सब है? जरूरी होते हैं, ऊपर वाले मांगते हैं. सरेश लाश किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक मशहूर सोशल मीडिया स्टार सरेश की है. नाम आमा तो फैल है, उम्र 23 बरस है इसकी.
इज्जतदार शरीफ लोग हैं। हमारे घर की औरतें अगर ये सारा कुछ करेंगी तो फिर तो आपका आपकी बहन के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं था। उसकी कोई खास दोस्त लाहौर में? बाबरा ब्यूटिशियन है और मेकअप आर्टिस्ट भी। कोई बॉयफ्रेंड था? एक लड़का था, बिजनेसमैन। मैंने तो खुद गिरफ्तार। रोमांस के लिए डेट पे भी बैठते हैं तो लाशों की बातें कर रहे होते हैं। कौन सा रोमांस? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सोडियम साइनाइड से मौत हुई है। कत्ल 8 बजे अपराध के 2 बजे लड़की छोड़ के जा रही है। तो हो सकता है कि ये लड़की ना हो। जो भी है उस रिक्शे वाले को बताए। मेरा यकीन करें, मैंने जरीश को नहीं मारा। मेरी दोस्त थी, छोटी बहनों की तरह प्यार करती थी उसको। अगर नासिर ने ये कत्ल किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। रिक्शे पे आती है, खाना देती है, न शहादत न गवाही न सबूत। All roads lead to no man's land. But no man's land is where all the answers lie. हकीम फारूक कहाँ पे? मैंने सुना है कि आपके पास हर चीज के मर्ज की दवा है। सवाए मौत के। आप इनकी नब्ज नहीं देखेंगे? आपको डिप्रेशन है और रात को सोते में चलने की बीमारी भी है। एडिटिंग और वो जो टोन भी था, जो गाना भी गाया गया था, वो खूबसूरत गाया गया था। तो आई थिंक दैट्स द रीजन बहुत ही इन्वॉल्व हो गए थे। बट ट्रेलर इज आल्सो नॉट लेस। या मतलब जो भी दिखाया गया है लड़कियों के बारे में कि भाई लड़कियां कुछ भी कर सकती है। और स्पेशली मुझे हील्स वाला पार्ट समझ में नहीं आया। समबडी इज वॉकिंग विद हाई हील्स, क्या वही किलर है या क्या है? इट्स लाइक यू नो दैट वाज टू सीन्स। एंड आल्सो दे हैव जो लास्ट वाला सीन दिया है उन्होंने, वो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन माइट बी, या फिर हम लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए, या फिर हो सकता है दैट द एक्टर हूवर द सबा फॉर द शीज नॉट। हां इट कैन बी, अगर इफ शी वाज द किलर राइट, इतना ओपनली तो दे वुड हैव नॉट शोन इट। करेक्ट। हां अरे या वो डिप्रेशन, नींद में चलने की बीमारी हो सकती है, बट अगेन वो किलर नहीं हो सकता। किलर है तो इतने बड़े ड्रामे को इतना छोटा। हां इट कैन आल्सो बी द केस के भाई उसका वो मतलब उसकी आड़ में कोई और मतलब कर रहा हो, काम कर रहा हो, मतलब टाइमिंग्स मैच कर कर के ऐसा कुछ। बट लेकिन ऐसा भी नहीं लगा कि कोई भी जो कैरेक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं वो कहीं भी सबा खमर से कनेक्टेड नहीं है। दे आर ऑल न्यू टू हर, सो कैसे वो यूज करेंगे सबा खमर की आइडेंटिटी? दैट इज द बट अदर कैरेक्टर्स जो मेकअप आर्टिस्ट का जिक्र हुआ था, एंड देयर इज अदर बॉयफ्रेंड एंड ऑल, दे आर दीस गाइस आर कनेक्टेड। हां आई कुड सी वन मेकअप आर्टिस्ट आल्सो जो वो खबर के पास आ रही थी, शी कैन आल्सो बी द सीरियल किलर। मेकअप आर्टिस्ट एंड देयर इज अनदर लाइक मेकअप आर्टिस्ट से वो सूटकेस ड्रैग करने वाला था, उसमें लाश भी हो सकती है। दिस इज एक्चुअली अ नाइस कांसेप्ट, थ्रिलर मूवी, नाइस कांसेप्ट। सूटकेस में लाश, हां सूटकेस में लाश हमें करना नहीं है, बट नाइस कांसेप्ट अच्छा लगा हम लोगों को ऐसा देख के। भाई ऐसा कुछ नया नया आता है तो मजा आता है करने के लिए। फिर समथिंग डिफरेंट अदर देन द स्टोरीज एंड ऑल। ओवरऑल ये था हमारा रिएक्शन सीरियल किलर के ट्रेलर और ओएसटी के ऊपर।
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर. डिटेल्स हमने दिए हैं. कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस पर रिएक्ट करें, और ऑल्सो ये भी कमेंट कीजिएगा कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं. सो दिस मोहम्मद शाबीज, मोहम्मद यासीन, आयशा यासीन साइनिंग ऑफ.